हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनुज कुमार। इसमें मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं। इसको बनाने का मेन मेरा उद्देश्य यह है कि फॉर्म तो सब कोई फिलअप कर लेगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और स्टूडेंट इसी को समझने आते हैं। और मेरा फोकस यही रहेगा कि आपको जो बेसिक आपको जो जानकारी है, जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड होता है, इसको आपको प्रॉब्लम होगा। कुछ कैटेगरीज में आपको प्रॉब्लम होंगे, जो कैटेगरी कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जो इसमें दिए नहीं हैं और थोड़ा सा हिडन करके रखा हुआ है। और भी आपको क्वालिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगा। शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं नीट के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको बगल में बेल घंटी को दबा लें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल पे ओपन करना है NTA NEET.NEET.IN। इसको सर्च करते ही आपके मोबाइल पे पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद या तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके फॉर्म को फिलअप करने कर सकते हैं, या आप यहाँ पे फिल इसको क्लिक कर सकते हैं। दोनों बात बराबर ही हैं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया, इंस्ट्रक्शन आ गए सामने। इंस्ट्रक्शन में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बता रहा हूँ, यहाँ पे एज लिमिट जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मुझसे, तो मैं बता दूँ कि 31/12/2003 यानी 31 दिसंबर 2003 के पहले आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 31/12/2003 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये एकदम यहाँ पे क्लियर मेंशन है, और लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में कि एडमिशन के टाइम तक आप 17 साल के हो जाए तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। आपको बता दूँ ये सब प्रोसीजर जो है, एग्ज़ाम 3 मई को होने वाला है, ठीक है। नीचे आते हैं। आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान जनरल को लगेगा 1500, EWS OBC NCL को लगेगा 1400, NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर, और बाकी को लगेगा 800। यहाँ पे आपको 5 डॉक्यूमेंट अपडेट्स करने हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं आपको, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपके पास अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट थंब नहीं है तो राइट थंब का यूज कर सकते हैं। आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर्टिफिकेट मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप सर्टिफिकेट अपना देखेंगे तो ऊपर लिखा होता है सर्टिफिकेट, उसी को अपलोड करना है। और पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो लेना है। पोस्ट कार्ड साइज क्या होता है, पासपोर्ट साइज छोटा होता है और पोस्ट कार्ड साइज बड़ा होता है। जब दुकानदार के पास जाते हैं फ़ोटो खींचता है तो बोलते हैं भैया मेरा जो सेम फ़ोटो, बोल देना आपकी जो फ़ोटो आप बनाइएगा पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज 8 बनवाने हैं आपको, पासपोर्ट साइज 8 फ़ोटो बनवाना है आपको, और 6 फोटो बनवाइएगा पोस्ट कार्ड साइज, ठीक है। मतलब बड़ा वाला 6 फ़ोटो, छोटा वाला 8 फ़ोटो, और कलरफुल फ़ोटो होना चाहिए, और बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। बैकग्राउंड वाइट, कलर फोटोग्राफ्स होना चाहिए। अपलोड देखें कितना KB में अपलोड करने हैं, इसको आप आराम से देख लें, ठीक है फ्रेंड। किसी भी बैंकिंग के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं ये 4 क्राइटेरिया के द्वारा। अब हम फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया, और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब मैं आगे आपको डेमो दिखाता हूँ कि डेमो जो कैसे कैसे भरना है आपको। ये रहा, ओपन हो गया पेज। सबसे पहला में आपका नाम फिलअप करना है, और फ्रेंड बता दूं कि 10th के मार्कशीट पे जो आपका नाम है उसी को फॉलो करना है, ठीक है। सेकेंड में मदर्स नेम फिलअप करना है, फिर फादर्स नेम, और कैटेगरी में आपको मैं बता दूँ, देखिए फ्रेंड कैटेगरी में दिया गया है SC ST OBC UR EWS। ये बहुत सारे स्टूडेंट इस पर डाउट है कि OBC सिर्फ नहीं दिया है, OBC में नॉन क्रीमी लेयर दिया गया है। तो फ्रेंड नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट को 27% का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर नहीं हैं, OBC हैं, क्रीमी लेयर हैं, नॉन क्रीमी नहीं है, तो आप जनरल के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मतलब ऐसे बताया गया है, लेकिन आप अच्छे से एक बार इसको पता कर लेंगे। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर हैं तभी फिलअप करें, अगर नॉन क्रीमी लेयर नहीं है तो UR में आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। EWS UR में ही आता है EWS, मतलब UR कैटेगरी में अगर जो जिसका घर का इनकम कम है
वो EWS, अगर उसके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकता है। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और EWS का सर्टिफिकेट चाहिए, अप्लाई कर सकता है। अभी अप्लाई करने के दौरान इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, लेकिन जब एडमिशन के टाइम पे आपको इसको ज़रूरत पड़ेगा। तो या तो आप अगर बाद में बनवा लें EWS का सर्टिफिकेट तो अभी EWS में अप्लाई कर दें, लेकिन अगर लगता है कि बाद में नहीं बनवा सकते या घर का इनकम ज़्यादा है तो आप UR में अप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड, बाकी तो इन दोनों को आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रोसेस आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, ये पर्सन विथ डिसेबिलिटी कोटा, मतलब जो दिव्यांग होते हैं, अगर आप दिव्यांग हैं शरीर से तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करते हैं आइडेंटिटी टाइप आपको फिलअप करना है, या तो आप आधार नंबर से फिलअप कर सकते हैं। वैसे तो नीट ने आधार नंबर से ही कहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें से जो भी आपके पास है आप इसमें से फिलअप कर सकते हैं। आप बैंक अकाउंट भी है तो बैंक अकाउंट से भी फिलअप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से बैंक अकाउंट पे आपका फ़ोटो होना ज़रूरी है, फ़ोटो होना चाहिए और बैंक का मोहर होना चाहिए तो भी बैंक अकाउंट से आप भरें, या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आप फिलअप कर सकते हैं, या वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड किसी से फिलअप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है, इसी दोनों के द्वारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ये इस पर OTP जाएगा, OTP के द्वारा आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आपको बहुत ध्यान से भरना है, जो आपके पास एक्टिव है मोबाइल नंबर या ईमेल उसी को फिलअप करना है आपको। यहाँ पे ऑप्शनल में दिया गया है, या तो आप इसको ऑप्शनल में फिलअप कर सकते हैं या इस दोनों को नहीं भी करेंगे तो चलेगा। जिस पे स्टार है, रेड कलर का स्टार दिया हुआ है, इसको फिलअप करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड, अब ये फिलअप करने के बाद इसको, इस पिन को यहाँ डाल के प्रीव्यू और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड, मैंने आपके स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूँ ये NTA ने जारी किया है, डेमो है, मैं इसी को दिखा रहा हूँ आपको। ये सब फिलअप आप कर लेंगे तो आपको फिलअप करने के बाद आप अगला जो प्रोसेस होगा अच्छे से देख लें, दो बार तीन बार देख लें ताकि परेशानी बाद में ना हो, करेक्शन ना करना पड़े। उसके बाद आपको बनवाना है पासवर्ड, और ये पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको, ये क्वेश्चंस का जवाब आपको इसमें देना है। वेरीफिकेशन OTP जाएगा आपके मोबाइल पे या ईमेल जो आपने दिया है, इसको दबाना, फिल करना बहुत ज़रूरी है। OTP फिल आपको यहाँ पे मोबाइल या जो ईमेल पे गया है यहाँ पे आप फिल करेंगे OTP, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको, और ध्यान से पासवर्ड ऐसा बनाएं ताकि आपको याद रहे। एप्लीकेशन फॉर्म की मदद से और पासवर्ड की मदद से भी दोबारा बाद में जब लॉगिंग आप कर पाएंगे, अगर पासवर्ड याद नहीं रहेगा तो बाद में नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका नाम, जैसे मेरा नाम अवनीस हुआ, AWNISH, तो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है। पहला पासवर्ड कैपिटल होना चाहिए, कोई भी ले, पहला वर्ड आप कैपिटल डालेंगे बाद में स्मॉल, उसके बाद कोई भी अंक आप डालेंगे, ठीक है, कोई भी अंक डाल के आप इसको सबमिट करेंगे, आराम से ले लेगा। अगला जो प्रोसेस होगा, अब जैसे इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे OTP फिल करने के बाद, अब बस आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। अब फिर से आपको लॉगिन करना है, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन नंबर आप सेव कर लेंगे, लिख लेंगे एप्लीकेशन नंबर के मदद से, और जो पासवर्ड आपने अभी बनाया है उसके मदद से आप फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन आप करने के बाद आपको फिर से ये पेज ओपन होगा। अब फिर से आपको यहाँ पे देखें, बाद में बता रहा है कि ये जेंडर कैटेगरी, नेशनलिटी, आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, PWD, ये सब बाद में चेंज नहीं होगा। बाद में ये सब जो नोट चेंज है, करेक्शन आने के बाद इसमें चेंज नहीं होगा, तो इसको आप अच्छा से फिलअप करें ताकि बाद में आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है फ्रेंड, आप आसानी से इसको फिलअप कर सकते हैं, इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ है उसको फिलअप कर दें, उसके बाद किस भाषा में देना सकते हैं चाहते हैं उस भाषा में फिलअप करें, बंगाली में, इंग्लिश में, हिंदी में, तमिल में, बहुत सारे भाषा में हैं, आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है चॉइस फिल्म, सिटी चॉइस, चार चॉइस देने आपको, चॉइस चार देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, चार चॉइस अपने हिसाब से देते हैं आपको, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। टेंथ का आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, टेंथ का प्रॉपर डिटेल्स भरें यहाँ पे, जहाँ जहाँ से टेंथ किया आपने प्रॉपर पढ़े, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। एलेवेंथ का फिल करें यहाँ पे, किस स्कूल से किया है, किस ईयर में किया है, आपका स्टेट क्या है, उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट क्या है, इसको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ देखें, यहाँ पे आपने स्कूल का नाम लिखें, स्कूल का ईयर ऑफ पासिंग, एड्रेस स्कूल का लिखना है आपको, स्टेट आपने लिखना है जहाँ से आपने 12th पास किया है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है,
उसके बाद स्टडी आपको मोड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है, सेल्फ स्टडी आएगा और कोचिंग आएगा, तो आपको सेल्फ स्टडी फिलअप कर दें। आपको ज़्यादा परेशानी होगा इसमें क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कोड, ठीक है फ्रेंड। तो इसको समझते हैं क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कोड क्या है। देखो फ्रेंड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपको 1 से 7 तक आपको मिलेगा कोड, आपको मैं बताता हूँ कौन सा भरना है। जैसे आप फ्रेंड कोड 1 फिल करेंगे, अगर आप 12th में हैं, 12th अपीयरिंग है और 2020 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप कोड 1 भरेंगे, यानी अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए कोड 1 फिल करना है। कोड 2 फिल करना है अगर आप 12th पास कर गए हैं, तो कोड 2 फिल करना है आपको, 12th पास कर गए हैं तो कोड 2 फिल करना है। चाहे आप 12th पास 2019 में ही किए हैं या 18 में किए हैं, उससे पहले किए हैं, कोड 2 फिल करना है। कोड 3 फिल करना है इंटरमीडिएट प्री, मतलब कि आप किसी दूसरे बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है या स्टेट बोर्ड से अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो कोड 3 फिल करना है। कोड 4 फिल करना है कि आप कोई दूसरा अलग बोर्ड, जैसे कि एक होता है कि AIU करके कुछ बोर्ड होता है, उस बोर्ड से किए हैं या कोई अलग प्रोफेशनल प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब कोई भी अलग प्री यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो उससे फिल करना है। मोस्टली ये 4 आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए थोड़ा सा आप अपने टीचर से राय ले लें। 5 फिल करना है अगर आप BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, BSc कर रहे हैं साथ साथ मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको कोड 5 यूज करना है। कोड 6 यूज करना है BSc अगर आपका फाइनल हो चुका है फिर भी मेडिकल का एग्ज़ाम देने वाले, नीट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो 6 यूज करना है BSc फाइनल होने के बाद। 7 यूज करना है कि आप किसी अलग, कोई भी अलग, एक यहाँ लिखा हुआ है कि एनी अदर एग्जामिनेशन विच इसको कोई भी एक अलग बोर्ड से आपने कोई एग्जामिनेशन दिया हुआ है क्लास 12, तो आप 7 फिल करेंगे। इसको आप आराम से पढ़ लें। बता दूं कि मोस्टली 4 ही कैटेगरी आपको फिल करना है, पासिंग स्टूडेंट के लिए, 12th अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए, मतलब 2020 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं कोड 1 फिल करेंगे, 12th पास कर गए हैं 2 फिल करेंगे, जो स्टूडेंट मतलब कि BSc फर्स्ट ईयर में है वो कोड 5 यूज करेंगे, और BSc कंप्लीट है कोड 6 यूज करेंगे। मतलब मोस्टली स्टूडेंट को यही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने कब पास किया 12th, यहाँ फिल करें कितना परसेंटेज है इसका 12th का रोल नंबर, मतलब जो भी रोल नंबर है। उसके बाद आप अपना यहाँ पे जितना भी 12th मार्क्स आया है कि इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में फिल करें, मैक्सिमम 100 मार्क्स लिखेंगे और जितना 100 में आया है उतना यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है फ्रेंड। ये सब आप सेव कर लें, सेव एज ड्राफ्ट। सेव कर लेने के बाद क्या होता है, कभी क्या होता है ना, कंप्यूटर से फिलअप कर रहे हैं, मोबाइल से फिलअप कर रहे हैं, सर्वर चला जाता है, कट जाता है, तो कटने के बाद भी आपका जो भी फिलअप किया हुआ है ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, तो सेव कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपका ये पेज ओपन होता है, पूरा आपको दिखाएगा। अब आपको ये एड्रेस फिलअप करेंगे, एड्रेस आप फिल करेंगे अपना प्रॉपर, अच्छे से एड्रेस फिल करने बताने की ज़रूरत नहीं है, और चाहते हैं कि जो परमानेंट एड्रेस है वहीं आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस रहे, तो आप यहाँ पे सेम एज पे क्लिक कर देंगे। फादर्स का आपका मतलब डिटेल्स देना है, फादर्स एंड मदर्स का, तो आपके फादर क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, मदर का क्वालिफिकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन फादर्स मदर्स का देना है, इनकम देना है, इनकम दे सकते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ड्रेस कोड फ्रेंड। अगर आप सिंपल, जो नीट ने ड्रेस कोड डिसाइड किया हुआ है, सिंपल हाफ टी शर्ट हाफ पैंट जो भी है सिंपल आने के लिए, अगर आप चाहते हैं तब मुझे जैसे ड्रेस कोड नीट ने निर्धारित किया हुआ है वहीं मुझे पहन कर जाना है, आप इस पे नो पर डायरेक्ट क्लिक कर दें। लेकिन आपको लगता है कि कोई भी नहीं है स्पेशल हमारे सोसाइटी में, कुछ ड्रेस अलग है, पारंपरिक ड्रेस मैं पहन कर जाना चाहता हूँ, तभी आप यस पर क्लिक करें। क्योंकि यस पर क्लिक करने के बाद आपको एग्ज़ाम देने के बाद बहुत ज़्यादा चेकिंग होने लगता है, बहुत परेशानी परेशान हो जाएंगे आप, तो ज़्यादातर कोशिश करें कि जो भी ड्रेस नीट ने डिसाइड किया है आप उसी को पहने, नो पे क्लिक कर सकते हैं। सिक्योरिटी पिन दबाकर आप प्रीव्यू करें और सबमिट करें। सबमिट जैसे करते हैं आपको ये डिस्प्ले होगा कि अच्छे से एक बार पूरा चेकअप कर लें, एट देन सबमिट पे क्लिक करें। उसके बाद आपके मोबाइल या ईमेल पे फिर से OTP जाएगा, यहाँ पे OTP फिल करेंगे फिर से, या ये पिन फिल करने के बाद यहाँ पे सब पे आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप फिर फाइनल सबमिशन करें। फाइनल सबमिशन करने के बाद ये पूछेगा, यहाँ पे यस पे क्लिक करें। आपका पहला फॉर्म कंप्लीट। अब इमेज आपको अपलोड करने हैं। इमेज अपलोड करने के लिए ये सब आपको 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अपलोड फोटो, सिग्नेचर, 10th सर्टिफिकेट, लेफ्ट थंब एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटो। ये सब अपलोड कर देंगे, मैंने बता दिया है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
ये अपलोड हो जाएगा, आपको ऐसा दिखाएगा, आप अच्छे से देख लेना। आप अब हो गया, अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आपको चार मेथड के द्वारा कर सकते हैं, इन्हीं SBI, ICICI, HDFC, सिंडिकेट और पेटीएम, इन चारों के बाद पेमेंट करने के बाद, पेमेंट करने के लिए बताना नहीं होगा, आपको पता है। पेमेंट करने के बाद आपको बस फाइनल हो गया, कन्फर्मेशन पेज आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और आपका कंप्लीट हो गया सब कुछ। फॉर्म आपने डाल दिया और आपको ऐसे पेज मिल जाएगा, ये जो पेज स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरीके के पेज आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया। अगर आपको लगता है इसके रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, जानकारी चाहिए, तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।